नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 4 जून 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने जनवरी 2022 से लेके जून 2022 तक के करंट अफेयर के टॉप मोस्ट 800 क्वेश्चनों को कवर किया है और इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो का लिंक भी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 जून 2022 के करंट अफेयर हैं जिनको कल हमने डिटेल के साथ कवर किया था। आज इनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 2022 में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया तेलंगाना ने। थर्ड क्वेश्चन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 1 जून 2022 को किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। फोर्थ क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 में कांस्य पदक जीता? तो जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, इसराइल ने 21 मई 2022 को किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए? यह किस अरब देश के साथ इसराइल का पहला समझौता है? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केंद्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025-26 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन, मई 2022 में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने सुजोयलाल थाउसेन। एट्थ क्वेश्चन, कौन सा संस्करण भारत इटली सैन्य सहयोग समूह MCG की बैठक 31 मई 2022 से 1 जून 2022 तक रोम इटली में आयोजित की गई? तो ये 11th एडिशन था। 9th क्वेश्चन, एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, वेस्ली बारबोसा शो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है शतरंज यानी चेस से। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। 2022 में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ये 2022 में कब मनाया गया? तो ये आप याद रखेगा कि ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन 3 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शनों की, 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे, ये 31 मई को मनाया जाता है। 1 जून को एक तो वर्ल्ड मिल्क डे ये मनाया जाता है, और 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये भी मनाया जाता है। 23 मई की बात करें, 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस, ये 23 मई को मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन 3 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन किस राज्य में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर स्थापित किया गया है? तो देखो ये जो लोकेशन है ना देवस्थल, ये उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन उत्तराखंड जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तराखंड। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और गैलेक्सीज होती हैं उनको ये ऑब्जर्व करेगा, तो डी ऑप्शन उत्तराखंड जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक काम करते हैं, उत्तराखंड का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इनको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया देहरादून में। दूसरा पॉइंट, एक फेस्टिवल मनाया जाता है हरेला फेस्टिवल, कहाँ पर? कुमाऊं रीजन में, उत्तराखंड में। तीसरा पॉइंट, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है नैनीताल के हल्द्वानी में। फोर्थ पॉइंट, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। फिफ्थ पॉइंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पर बना है? पिथौरागढ़ जिले में। छठा पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तरकाशी में नीदरलैंड की सहायता से। सेवन्थ पॉइंट, उत्तराखंड की सरकार ने CM वात्सल्य योजना इसको स्टार्ट किया था। तो ये 7 पॉइंट आप याद रखेगा उत्तराखंड से संबंधित। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की, अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मंकी की नई स्पीसीज पाई गई थी जिसका नाम सेला पास के नाम पर रखा गया था, तो ये आप याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। असम की सरकार ने मैत्री योजना
इसको स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश से। एक पॉइंट और याद रखेगा कि जो यहाँ पर कुल्लू है ना, यहाँ पर पहली बार मोंग फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए हैं, और असम की सरकार ने अरुणोदय योजना इसको भी स्टार्ट किया है। तो डी ऑप्शन उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये लोकेशन है उत्तराखंड की। चाइना नेपाल दोनों देशों के साथ उत्तराखंड की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गैरसिंह समर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। नैनीताल में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तीन राज्यों के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। थर्ड क्वेश्चन, किसने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी में पूर्णकालिक सदस्य WTM के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी होल टाइम मेंबर के रूप में? तो आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी भाटिया, बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, सुजय लाल थाउसेन, ये अभी हमने कल भी कवर किया था और आज भी कवर किया है स्टार्टिंग में, जब कल के क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे थे। इनको सशस्त्र सीमा बल इसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। तरुण कपूर, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का नया सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। नरेश कुमार, इनको उत्तराखंड में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो बी ऑप्शन अश्विनी भाटिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा राज्य 4 जून 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हरियाणा, और ये कब तक चलेंगे? 13 जून तक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया, और हरियाणा की सरकार ने ही परिवार पहचान पत्र योजना इसको स्टार्ट किया, ये आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा भारत का पहला राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये आप याद। भारत और किस देश ने 1 जून 2022 को 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? ये फिफ्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इसनेगल। बी ऑप्शन जो है इसनेगल, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आप याद रखेगा। ये जो समझौते हुए हैं ये जैसे आपस में जो कॉपरेशन है, बायलेटरल कॉपरेशन, इनको एनहेंस करने के लिए हुए हैं। तो बी ऑप्शन सिनेगल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा डकर, DAKAR, डकर, ये इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, डकर, ठीक है। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें सिनेगल के, तो मैकी शॉल, MACKY, मैकी SALL शॉल, ये प्रेसिडेंट है सिनेगल के। फ्रांस की बात करें तो पेरिस इसकी कैपिटल है, जापान की कैपिटल टोक्यो है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन, कौन 2 जून 2022 से स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो बताइए सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है डॉक्टर एस जयशंकर, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन डॉक्टर एस जयशंकर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेवंथ क्वेश्चन, किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो सेवंथ क्वेश्चन का जो आंसर है ये बी ऑप्शन सही आंसर है, रश्मि सहू। ये आप याद रखेगा कि रश्मि सहू, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रश्मि सहू। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शनों की, जैसे देखो निधि छिब्बर, इनका नाम किसने न्यूज में था? इनको CBSE का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था। नीमाबेन आचार्य, जो सी ऑप्शन में है, ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो सी ऑप्शन जो है ये भी, ये आप याद रखेगा, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। और लेकिन सेवंथ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है, रश्मि साहू। एट्थ क्वेश्चन, किसने अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो बताइए एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन अमित शाह, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नाइन्थ क्वेश्चन, 2022 में किस तारीख को जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाई गई? तो ये कब मनाई गई? ये मनाई गई
3 जून को, यानी 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन 3 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, एना शिबहारा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताइए इनका जो संबंध है ये है टेनिस से, यानी 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन टेनिस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आप याद रखेगा, सी ऑप्शन 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार खिलाड़ियों के लिए राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करेगी? राजस्थान, सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, 2022 में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 जून को मनाया गया। तीसरा क्वेश्चन, 2022 में किस तारीख को सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई? 1 जून, सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत के पहले ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भोपाल, सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, मई 2022 में किसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राजेश खैर, इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, 2022 में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? दूसरा क्वेश्चन, 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तीसरा क्वेश्चन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 1 जून 2022 को किस राज्य में आयोजित किया गया? चौथा क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 में कांस्य पदक जीता? पांचवा क्वेश्चन, इसराइल ने 31 मई 2022 को किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? यह किस अरब देश के साथ इसराइल का पहला समझौता है? छठा क्वेश्चन, मई 2022 में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने?